वेरी वेरी गुड इवनिंग बच्चों, वंस अगेन आई एम विथ प्रैक्टिस सेट 12। ये पहली बार हो रहा है जहां पे लगातार आपको 12 सेट्स ये आपके दिए जा रहे हैं। ये सारे सेट्स जो हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स से लिए गए हैं, कुछ सीजीएल प्री से, कुछ मेंस से भी आपको दिए जा रहे हैं। ज्यादातर क्वेश्चंस अब मैं इसमें मेंस के भी शामिल कर रहा हूं, जो क्वेश्चंस आपके आगे सीजीएल मेंस में आपके काम आएंगे। तो लेट्स बिगिन सेट नंबर 12। फॉर द फर्स्ट टाइम ये 12 सेट्स इस तरह लगातार आपको दिए गए, आप जिनका एडवांटेज ले सकते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। और एक क्वेश्चन है आपके सामने, ये कॉमन एरर का क्वेश्चन है। ये दिस इज अ लीडर हु वी फील वी कैन सेफली फॉलो। अक्सर इस तरीके के क्वेश्चन आपके कॉमन एरर्स पर आपको दे जाते हैं। दिस इज अ लीडर, यही वो नेता है हु वी फील और हमें महसूस होता है वी कैन सेफली फॉलो, कि हम उसे फॉलो कर सकते हैं। किसमें एरर लग रहा है आपको? दिस इज अ लीडर, यहां पर एरर है, या हु वी फील यहां पर एरर है, या वी कैन सेफली फॉलो। जो भी बच्चे इसे कर ले रहे हैं वो समझें उनके आगे के रास्ते बेहतर हैं, वो समझ रहे हैं चीजों को। जो भी बच्चे इसे नहीं समझ रहे हो वो बच्चे अपने आप से कहें कि उन्हें और अधिक हार्ड वर्क करने की आवश्यकता है। तो कितने बच्चे समझ रहे हैं? क्या ए में एरर है क्या, या बी में एरर है, या सी में एरर है, या फिर नो एरर है, कोई एरर ही नहीं है? क्या लग रहा है आपको? ए, दिस इज अ लीडर, यहां पे कोई एरर नहीं, दिस इज अ लीडर सही। हु वी फील, ये कैसे तय होगा कि यहां पर ये हु सही है कि नहीं? ये तय होगा अगली क्लास, लेकिन पहले यहां पर देख लेते हैं हु। अब अगर हु यहां पे है और फिर वी फील है, वी फील खुद ही आपकी पूरी क्लास है, आपकी इसे पैरेंटेटिकल क्लास कह सकते हैं आप, तो वी फील यहां पे हो गया। अब फिर हु जुड़ जाएगा किससे? वी कैन सेफली फॉलो, ये खुद पूरी क्लास आपको दी गई है। वी कैन सेफली फॉलो यानी आपको किसी सब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं, आपको किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है। और अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है तो आप हु नहीं, क्या लेंगे आप? हुम का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे आप? हु के स्थान पर हुम हो जाए। फिर से देखें, दिस इज अ लीडर, यही वो नेता है। हु वी फील, ये सही हो सकता था अगर यहां पे वी नहीं होता तो। तब अगर वी नहीं होता तो आपको एक सब्जेक्ट की आवश्यकता होती, तब यहां पे हो जाता, दिस इज अ लीडर हु वी फील कैन सेफली फॉलो। ओके, बट ऐसा है नहीं, ये क्लास ऑलरेडी आपकी पूरी है और ये भी क्लास पूरी है, ये भी क्लास पूरी है। इट मीन्स हमको नॉमिनेटिव केस नहीं, हमको ऑब्जेक्टिव केस की जरूरत है। और हु नॉमिनेटिव केस होता है, हुज पोजेसिव केस होता है, और हुम ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो हुम यहां पे होगा न कि हु होगा। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, ये हु किसके लिए है? उस नेता के लिए है। तो वी कैन सेफली फॉलो हिम, यानी हमें क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट, जो यहां पे हुम उस कमी की क्या करेगा? पूरी करेगा। तो वाक्य हो जाएगा, This is a leader whom we feel we can safely follow. We feel अलग कर देंगे तो आपका वाक्य बन जाएगा who we can safely follow, जो कि नहीं होगा whom we can safely follow होगा, या who के बजाय whom हो जाएगा। ओके, ऐसे questions रेगुलर तैयार करेगा, क्योंकि relative pronoun से संबंधित बहुत सारे questions आपको दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आई इंस्ट्रक्टेड माय स्टूडेंट्स, मैंने अपने विद्यार्थियों को इंस्ट्रक्ट किया, दिशा निर्देश दिया, टू रीड देयर बुक्स, कि वो अपनी किताबें पढ़ें, यानी अपनी किताबें पढ़ने का मैंने अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को निर्देश दिया। लाइक जैसे, आई हैड
आश्रित हैं, जैसे मैंने उनसे कहा था। यानी जैसे मैंने उनसे कहा था वैसे ही मैंने इंस्ट्रक्ट किया कि वो अपनी किताबों को पढ़ें। क्या गलत लेवल पे प्रश्न है आपका? ये आपकी जानकारी यहां पे पुख्ता होगी कि क्या लेवल पे आपके पास नॉलेज है ग्रामर पोर्शन का। क्या लगता है यहां कुछ गलत है? आई इंस्ट्रक्टेड माई स्टूडेंट्स, नहीं सही है। आई इंस्ट्रक्टेड माई स्टूडेंट्स, मैंने अपने बच्चों को अपने विद्यार्थियों को इंस्ट्रक्ट किया, उन्हें दिशा निर्देश दिया क्या करने का। टू रीड देयर, देयर तो सही यहां पे है, टू के बाद रीड भी सही है। टू रीड देयर बुक्स, देयर यहां स्टूडेंट्स के लिए है तो सही है। तो आई इंस्ट्रक्टेड माई बुक्स स्टूडेंट्स टू रीड देयर बुक्स, सही है। लाइक जैसे, आई हैड आस्क्ड देम, जैसे मैंने उनसे कहा। अब जैसे लाइक का प्रयोग हमने जैसे के अर्थ में देखा, तो हम ये समझें कि लाइक एक प्रीपोजिशन है, और अगर लाइक एक प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद कभी भी पूरी क्लास नहीं आ सकती। प्रीपोजिशन के बाद क्या आ सकता है? कोई नाउन आ सकता है, कोई नाउन फ्रेज आ सकता है, या नाउन की तरह कार्य करने वाला कोई शब्द आ सकता है। तो लाइक आई हैड आस्क्ड देम, यानी आई हैड आस्क्ड देम पूरी क्लास है, और क्लास के लिए प्रीपोजिशन नहीं कंजंक्शन की आवश्यकता होती। तो कंजंक्शन लाइक के स्थान पे क्या आ जाएगा? एस। क्या आएगा? एस, एस आई हैड आस्क्ड देम। एस वहां लगाते हैं जहां पे आपको कंजंक्शन की आवश्यकता हो, अर्थात पूरी क्लास हो, और लाइक वहां लगाते हैं जहां पे उसके बाद केवल नाउन फ्रेज हो। जैसे हम कहें आई एम एस यू, गलत है ना, आई एम लाइक यू, क्योंकि यू यहां केवल एक प्रोनाउन है, मीन्स नाउन की तरह है, तो आई एम लाइक यू। लेकिन अगर हम कहें आई डू लाइक यू डू, गलत है, आई डू लाइक यू डू नहीं हुआ, कि यू डू तो प्लस है पूरी ना, तो आई डू एस यू डू ये होगा। वैसे ही यहां आई हैड आस्क्ड देम पूरी प्लस है, तो प्लस के पहले लाइक नहीं लगे, क्या होगा? एज हो जाए। ओके, थर्ड क्वेश्चन पे हम आते हैं, और ये आपके सामने है थर्ड क्वेश्चन। देखिए आप ये लेवल पे, ये भी प्रश्न है आपका सीजियल मेंस के लेवल पर। आवर हिस्ट्री कैन बी सीन, हमारा जो इतिहास है वो देखा जा सकता है एज अ लॉन्ग इवोल्यूशनरी डायलेक्टिकल डेवलपमेंट। लॉन्ग इवोल्यूशनरी, इवोल्यूशनरी विकासात्मक, विकास से संबंधित। डायलेक्टिकल मीन्स द्वंद्वात्मक, जो अपोजिट थियरीज होती हैं वो डायलेक्टिकल होती है, डेवलपमेंट विकास आप समझते हैं। तो आवर हिस्ट्री कैन बी सीन, यानी हमारा इतिहास देखा जा सकता है एज अ लॉन्ग इवोल्यूशनरी डायलेक्टिकल डेवलपमेंट, यानी लंबे विकासात्मक द्वंद्वात्मक विकास के रूप। यानी हमारा जो इतिहास है वो किस रूप में देखा जा सकता है? एक लंबे विकासात्मक द्वंद्वात्मक विकास के रूप में। इन विच, जिसमें देयर हैव बीन अ पेनस्टेकिंग फोर्सिंग, जिसमें बहुत प्रयास किया गया है फोर्ज करने का, इमिटेट करने का। किस चीज को इमिटेट करने का? ऑफ रैशनल एंड मॉरल सेट, यानी तार्किक और नैतिक पक्ष को फोर्ज करने का, इमिटेट करने का बहुत अधिक प्रयास किया गया है। ऐसा हमारा इतिहास देखा जा सकता है। क्या गलत? सेंटेंस बड़ा है आपका, लेकिन एरर बहुत छोटी सी है। देख लें क्या एरर लग रही है आपको। आवर हिस्ट्री कैन बी सीन, ये तो सही है, कोई एरर नहीं यहां पे, पैसिव वॉइस में है, हमारे इतिहास को देखा जा सकता है। एस अ लॉन्ग इवोल्यूशनरी डायलेक्टिकल डेवलपमेंट, किस रूप में? एक लंबे इवोल्यूशनरी विकासात्मक द्वंद्वात्मक डेवलपमेंट के रूप में, के रूप में, तो ऐसे ही है। इन विच, जिसमें, सही है। देयर हैव बीन, अगर देयर हैव बीन ले रहे हैं तो देयर के साथ याद करिए कि जो मेन आपका सब्जेक्ट होता है, नाउन होता है या प्रोनाउन है, उसी के आधार पे आपकी वर्ब होती है ना। तो देयर हैव बीन अ पेनस्ट्रेकिंग फोर्स, यानी हमारा
देयर का नाउन क्या है? पेंस टेकिंग फोर्जिंग जिरंड है, और जिरंड हमेशा क्या होता है, एक क्या होता है, सिंगुलर के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो हमारा सब्जेक्ट है ए, वैसे भी ए भी बता रहा है सिंगुलर है, ए पेंस टेकिंग फोर्जिंग। अगर हमारा सब्जेक्ट ए पेंस टेकिंग फोर्जिंग है तो हर हाल में इसके पहले जो वर्ब रहेगी वो क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी। तो जाएगा इन विच देयर हैज बीन अ पेंस टेकिंग फोर्जिंग ऑफ रैशनल एंड मॉरल सेंस। जब आप इट का प्रयोग करते हैं तो इट किसी के अनुसार नहीं चलता है, इट अपने अनुसार चलता है। इट इज ही सही है, इट इज वी ये भी सही है, इट इज दे ये भी सही है, इट इज शी ये भी सही है। हमने ही लिया, शी लिया, या कुछ भी लिया, सिंगुलर प्लूरल, वी लिया, दे लिया, लेकिन इट के साथ इज ही लगाया। इवन आप ऐसे लिखेंगे इट इज राम एंड श्याम, आप ये नहीं लिख सकते इट आर राम एंड श्याम, इट इज राम एंड श्याम। लेकिन जैसे ही आप देयर का प्रयोग करते हैं तो देयर के साथ वो सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार होता है, क्योंकि देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है ना कि सब्जेक्ट होता है। तो देयर इज अ बॉय, सही है, देयर इज अ बॉय, लेकिन देयर आर बॉयज। जैसे ही बॉयज आया तो फिर आर हो गया, जैसे ही अ बॉय आया तो इज हो गया। वैसे ही अ पेंस टेकिंग फोर्जिंग, ये हमारा सब्जेक्ट है, तो अगर ये मेन सब्जेक्ट है तो देयर के साथ हैव बीन कैसे होगा, क्या हो जाएगा, देयर हैज बीन हो जाएगा। लेवल है ये कॉमन एरर पर, ठीक है, तैयार करें इस लेवल पे आप। सेंटेंस फिलर है हमारे सामने, द डैश ऑफ मेनी टेम्पल्स इन साउथ एंड सेंट्रल इंडिया, यानी दक्षिण और मध्य भारत में सरपासेज इवन दैट ऑफ द ताजमहल, ताजमहल को भी वो पीछे छोड़ देता, सरपास में पीछे छोड़ देना, उससे आगे निकल जाना, ताजमहल को भी पीछे छोड़ देता है। तो वो साउथ और सेंट्रल इंडिया का क्या है, वो साउथ और सेंट्रल इंडिया का अपियरेंस है, यानी उन टेम्पल्स का अपियरेंस है, या साउथ और सेंट्रल इंडिया के उन टेम्पल्स का मैग्निफिसेंस है, या उन टेम्पल्स का गुडनेस है, या उन टेम्पल्स का लुक, वो कौन सी चीज है जो ताजमहल को भी पीछे छोड़ देती है, वो उन मंदिरों की अपीयरेंस में शक्ल सूरत बाहरी रूप, उन मंदिरों का मैग्निफिसेंस उनकी भव्यता, उन मंदिरों का गुडनेस उनकी अच्छाई, या उन मंदिरों का लुक, उनका लुक जो बाहरी ढांचा है वो उन ताजमहल को भी पीछे छोड़ देता है। क्या पीछे छोड़ता होगा, क्या लुक में ताजमहल पीछे हो सकता है, नहीं, क्या अपीयरेंस में ताजमहल पीछे हो सकता है, नहीं, ताजमहल तो बहुत खूबसूरत इमारत है। क्या गुडनेस में ताजमहल पीछे हो सकता है, मंदिर का ताजमहल का गुडनेस से क्या अच्छा, ये तो कैरेक्टर की अच्छाई होती है, किस चीज में पीछे छोड़ता होगा वो, मैग्निफिसेंस भव्यता है ना। दक्षिण के कई सारे मंदिर हैं जो आप जानते हैं, वो मंदिर इतने भव्य माने जाते हैं कि अपने मैग्निफिसेंस में अपनी भव्यता में वो ताजमहल को भी क्या कर देते हैं, वो पीछे छोड़ देते हैं। वैसे सेंटेंस है, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी च्वाइस है, ठीक है। तो यहां पे आपका जो सेट होगा वो क्या होगा, मैग्निफिसेंस, द मैग्निफिसेंस यानी वो भव्यता, कौन सी भव्यता, ऑफ मेनी टेम्पल्स, कई सारे मंदिरों, कौन से मंदिर, इन साउथ एंड सेंट्रल इंडिया, यानी दक्षिण और मध्य भारत के मंदिरों की भव्यता सरपासेस, देखिए कितना बड़ा रूल है, सरपासेस इनके लिए नहीं है, टेम्पल्स के लिए नहीं, सरपासेस मैग्निफिसेंस के लिए है, भव्यता के लिए, सरपासेस इवन द व्हाट, मैग्निफिसेंस ऑफ द ताजमहल, यानी ताजमहल की भव्यता को भी वो मंदिर क्या करते हैं, दक्षिण और मध्य भारत के पीछे छोड़ देते हैं, यहां मैग्निफिसेंस हो जाए। लुक और अपीयरेंस क्यों नहीं, क्योंकि बाहरी दिखावा है, तो बाहरी दिखावे में ताजमहल तो बहुत खूबसूरत है, गुडनेस का कोई मतलब नहीं है, भव्यता में वो मंदिर क्या है, आगे है। ये आपके पास सेंटेंस फिलर है। फिफ्थ क्वेश्चन,
on account of an accident, एक एक्सीडेंट के कारण द ट्रैफिक ऑन द जीटी रोड, यानी जीटी रोड का जो ट्रैफिक था वास वो क्या हो गया, डिसलोकेटेड हो गया, वो ट्रैफिक डिस्टॉर्टेड हो गया, वो ट्रैफिक डिस्टर्बड हो गया, वो ट्रैफिक डिसरप्टेड हो गया, क्या हो गया। ज्यादातर बच्चे आप नहीं कर लेंगे शब्दों के द्वारा, अगर आप उनका माइन्यूट डिफरेंस समझते हो, क्या लगाना चाहते, यानी एक एक्सीडेंट के कारण जीटी रोड पर जो ट्रैफिक था वो क्या हुआ, डिसलोकेटेड हो गया, डिस्टॉर्टेड हो गया, डिस्टर्बड हो गया या डिसरप्टेड हो गया। और मुझे पता है आप में से ज्यादातर बच्चे जो है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, वो इसे चूज करते हैं। लेकिन अगर आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स डिस्टर्बड को चूज कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं, वो सही नहीं कर रहे। डिस्टर्ब क्या होता है, जैसे आपका कोई रूटीन है, उस रूटीन को आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपका रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है। आप बैठ करके पढ़ रहे हैं और कोई आया और उसने आपको डिस्टर्ब कर दिया, ये डिस्टर्ब होता है। डिसलोकेट क्या होता है, डिसलोकेट एक स्थान से दूसरे स्थान पे कर देना होता है। डिस्टॉर्ट क्या होता है, विकृत कर देना होता है, खराब कर देना होता है। जब किसी का चेहरा विकृत हो जाता है, खराब हो जाता है, उसका शेप चेंज हो जाता है तो वह डिस्टॉर्ट होता है। डिसरप्ट क्या होता है, विघ्न पड़ जाना, बाधा पहुंचना। तो आप समझ सकते हैं जीटी रोड पर क्या पहुंचे, आने जाने में बाधा पहुंची, विघ्न पहुंचा। जब आने जाने में विघ्न पहुंचा तो वो डिस्टर्ब नहीं हुआ, ये मानसिक डिस्टर्बेंस नहीं है, वो डिसलोकेट लोकेट नहीं हुआ कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला गया, वो डिस्टॉर्ट नहीं हुआ, विकृत हो गया, खराब हो गया, वो क्या हो गया, वो जीटी रोड का ट्रैफिक डिसरप्टेड हो गया, यानी उसमें विघ्न पड़ गया, जाम लग गया, मीन्स बाधित हो गया। ओके, दिस इज द रीजन वी हैव टू चूज डिसरप्टेड, बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑफ द ऑब्स्टिकल, यानी कहीं कहीं वो बाधित हो गया वहां पे, इसलिए डी ऑप्शन बेस्ट है। ओके, idioms and phrases. Sarla is always ready to eat anyone's salt. आप देख रहे होंगे जो लेवल दे रहे हैं idioms वगैरह का, वन वर्ड्स का, अगर आप मेहनत करें इवन मेंस में भी तो आप अच्छे नंबर्स पा सकते हैं वोकैब के सेक्शन में भी। तो अभी से लग जाए धीरे धीरे कि सब कुछ मैनेज कर लेना। आप करें क्या एक दिन, जैसे मेरे 12 सेट्स अभी तक मैंने कराए हैं, एमबी के भी सेट्स मैंने कराए हैं, अलग से मैंने कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस फिलर्स वगैरह मैंने दिया है। एक दिन आप एक कॉपी ले, ठीक है, उस कॉपी पे अलग अलग सब लिख लें आप जितने भी हैं, और आप देखेंगे आपके पास एक पूंजी हो जाएगी इकट्ठी, और फिर धीरे धीरे मैं तो रोज कराऊंगा, ठीक है, तो आप इनका आगे फायदा लेते हैं, ठीक है। तो सरला इज ऑलवेज रेडी टू ईट एनीवन्स साल्ट, तो इडियम टू ईट एनीवन्स साल्ट क्या बता रहा है, क्या सरला जो है एन इंफेक्शियस डिजीज की बात कर रही है, या फिर वो टू डिसीव समवन किसी को धोखा देने की बात कर रही है, या फिर टू कुक टेस्टी डिश यानी टेस्टी भोजन बनाने की बात कर रही है, या टू बी वंस गेस्ट या किसी का भी मेहमान बनने की बात कर रही है। तो आप किसी का जब नमक खाते हैं तो आप क्या होते हैं, उसके मेहमान बनते हैं, उसके घर पे जाते हैं, तभी तो आप नमक खाएंगे ना। This is here. Sarla is always ready to eat anyone's salt is equal to Sarla is always ready to be one's guest. अर्थात वो किसी का भी मेहमान बनने के लिए तैयार रहती है। जैसे बहुत बार ऐसा होता है ना, कुछ बच्चे से इलाहाबाद में रहते हैं या फिर अलग अलग जगहों पर रहते हैं, और वो बच्चे रूम लेके रहते हैं तो खोजते रहते हैं कहां पे शादी वगैरह का हो जहां को जाकर के उनका नमक खाएं, अर्थात उनके मेहमान बन जाए। This is to eat anyone's salt is to be one's guest. सही है ना? Okay, let's proceed. Idioms and phrases. Next question आपका है. Nowadays, आजकल one gets good literary books. किसी को अच्छी साहित्यिक पुस्तक मिलती है. Once in a blue moon. Once in a blue moon का idiom है. इसका अर्थ क्या होगा? Once in a blue moon means when moon gives blue light, ये होगा, या in day and night, या rarely, या at very low cost,
ये दोनों तो एलिमिनेट ही कर दीजिए, कोई मतलब लग रहा है क्या आपको? When moon gives blue light, तब क्या अच्छी किताबें मिलती हैं क्या? In day and night, भाई नाइट में समझ में आता है, दिन में वो मून कैसे लाइट देगा आपको? नहीं देगा। Rarely means बहुत कम ही, और at very low cost, बहुत कम कीमत पर। तो क्या होगा? Once in a blue moon means बहुत कम, या once in a blue moon means बहुत कम दाम पर, क्या सही है? याद आ रहा आपको? तो आसान है। Once in a blue moon means होता है यदा कदा, बहुत कम ही, तो बहुत कम ही, you know, rarely, अर्थात बहुत कम बार। तो यहां once in a blue moon हो जाएगा rarely, okay? Sentence improvement हमारे सामने है। John is wearing his jacket. John अपनी jacket पहन रहा है। As it is getting very cold, क्योंकि बहुत ठंड पड़ रही है, सर्दी पड़ रही है, तो वो अपनी jacket पहन रहा है। अब प्रश्न ये है कि इस wearing के स्थान पर आप getting आन लेंगे, taking आन लेंगे, putting आन लेंगे, या आपको लग रहा है कि यहां पे नो इंप्रूवमेंट है? कौन सा सही? सोच, सोचने से जिंदगी बदल जाया करती है। धीरूभाई अंबानी फर्श से उठे थे 1980 में, 4000 रुपए का बिजनेस करने का सोचा, और आज कई लाख करोड़ रुपए का उनके बच्चों ने उस बिजनेस को बना दिया। सोच ऐसी हो जो हमें ऊंचा पहुंचा, तो सोचें क्या सही होगा। गेटिंग ऑन, गेट ऑन मीन्स होता है सफलता प्राप्त करना, प्रगति करना, या उम्र में बढ़ते जाना। क्या रिलेशन है कोई यहां पे आपका? नहीं है। टेक ऑन मीन्स होता है सामना करना, आमना सामना होना। जैसे टुडे इंडिया आर टेकिंग ऑन ऑस्ट्रेलिया, मीन्स भारतीय टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया का सामना कर रही है। यहां टेका सामना करने का मैटर है क्या? अब जैकेट से वो सामना तो नहीं करेगा। पुटिंग ऑन मींस, पुट ऑन मींस पहनना होता है। तो इन्हीं दो में से तो होना चाहिए, वेयरिंग या पुटिंग ऑन, कौन सा बेस्ट ऑप्शन है? कौन सा लग रहा है? वेयरिंग होगा या पुटिंग ऑन? मुझे पता है आपने ज्यादातर बच्चे पुटिंग ऑन करेंगे, बट गलत है। आप कई सारे ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनको हम कंटिन्यूअस के सेंस में नहीं यूज करते हैं, उन्हीं में से पुट ऑन होता है। तो अगर ये कंटिन्यूअस में नहीं यूज हो सकता है, तो वेयर का प्रयोग कंटिन्यूअस में आप करते हैं, यानी ये ऑलरेडी क्या है? सही है। और अगर ये ऑलरेडी सही है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए था? नो इम्प्रूवमेंट। फिर से देख लें, गेट ऑन सफलता प्राप्त करना होता है, या उम्र में वृद्ध होते जाना, जैसे He is getting on for 60, यानी वो 60 वर्ष का हो रहा है। ये उम्र वगैरह के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए आप यूज करते हैं। टेक ऑन सामना करना, और पुट ऑन आप जानते हैं पहनना होता है, बट चूंकि कंटिन्यूअस में नहीं सेंस हो सकता, यूज हो सकता है, इसलिए यहां वेरिंग ऑलरेडी क्या है आपका? सही है, नो इंप्रूवमेंट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉलिड एंड सेंसेशनल बुक्स, यानी गंदी अर्थात बेकार, और सेंसेशनल मीन्स सनसनी उत्पन्न करने वाली। तो बेकार और सनसनी उत्पन्न करने वाली जो किताबें हैं, टेंड टू विशिएट द पब्लिक टेस्ट, वो पब्लिक टेस्ट को विशिएट करने का इरादा रखते हैं, अर्थात कहीं कहीं उन्हें विशिएट करने की तरफ प्रवृत्त करते हैं, ले जाते हैं। तो वो पब्लिक टेस्ट को विशिएट करती हैं, ये खुद सही है, या वो पब्लिक टेस्ट को डिवाइड करती हैं, या वो पब्लिक टेस्ट को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, या वो पब्लिक टेस्ट को डिस्टार्ट करते हैं, या खुद सही है और नो इंप्रूवमेंट। देख, मैं फिर से कहूंगा आपसे, आप अधिक से अधिक वर्ड पावर अपनी तैयार करें, और उनके बीच जो उनका अंतर होता है वो भी धीरे धीरे आप तैयार करें। वेयर देयर इज द विल, देयर इज द वे। और सब लोग कहते हैं इसमें सबसे अच्छी भूमिका आपको आपका एडिटोरियल निभाएगा।
अब आपके मन में आएगा सर आप एडिटोरियल पढ़ाई, मैं बिल्कुल पढ़ाऊंगा बहुत जल्दी ही, अभी ऑलरेडी बहुत सारी डिस्पैच हो रही है, जैसे ये क्लास मेरी लाइव हो जाएगी तो मेरा समय जो है बचेगा, मैं ऑलरेडी इन चीजों को मैनेज कर दूंगा। अभी ये प्रीमियर पे आप देखते हैं, समझते होंगे आप, प्रीमियर आप देख रहे हैं लाइव, लेकिन ये लाइव होऊंगा मैं तो जो मेरा रिकॉर्डिंग का एडिटिंग वगैरह का समय होता है वो बच जाए, ठीक है। तो फिर मैं लाइव एडिटोरियल भी आ सकता हूँ सुबह में, और फिर लाइव प्रैक्टिस सेट में आ सकता हूँ शाम में, तब आपका और अधिक फायदा होगा, क्योंकि मैं आपके आंसर देख करके आपको बता सकूंगा कि यहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा है। वो दिन मेरे लिए भी बहुत खुशी को होगा और जल्दी आने वाला है। आपके सॉर्डिड एंड सेंसेशनल बुक्स, बहुत सारी ऐसी किताबें होती है ना जो आपका टेस्ट खराब करती है। अब आपका टेस्ट खराब करना मीन्स उसे कहीं कहीं उसकी पवित्रता खत्म करना, खराब कर देना, दूषित कर देना, कि क्या मीनिंग होती है? डिवाइड तो नहीं होती, डिवाइड मीन्स होता है डिवाइड करना, बांटना नहीं होगा। डिस्ट्रैक्ट मीन्स होता है ध्यान भंग कर देना, आप इधर देख रहे हैं उधर कुछ हो गया और उधर देखने लगे आप डिस्ट्रैक्टेड हो गए, यानी ध्यान बंट जाना। तो क्या वो सेंसेशनल और शॉर्टेड बुक्स हमारा ध्यान बांटती हैं? तो पब्लिक टेस्ट का ध्यान बांटने से क्या संबंध है? कोई मतलब नहीं। डिस्ट्रैक्ट, अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा कि विकृत कर देना, जैसे चेहरा आपका जो है अगर वो कहीं इस पे चोट लग गई, विकृत आ गया, खराब हो गया चेहरा, तो वो डिस्ट्रैक्ट होना होगा। आप साउथ की मूवीज देखते हैं ना, जब कोई हीरो पंच मारता है तो फिर जब चेहरे पड़ता चेहरा हिल जाता है, वो विकृत डिस्ट्रैक्ट करना होता है। अल्लू अर्जुन को जोर देखिएगा, आप रियल एग्जाम्पल देखेंगे आप। लेकिन विशेष यहां खुद से ही है, विशेष क्या होते हैं, किसी चीज को स्पॉइल कर देना, नष्ट कर देना उसे। तो हमारी पब्लिक टेस्ट को वो किताबें जो बेकार हैं, गंदी हैं, वो क्या कर रही हैं? विशेष ही कर रही है, मीन्स गंदा कर रही है, दूषित कर रही है, खराब कर रही है, यानी यहां किसी की भी जरूरत नहीं है। डिवाइड जिसके मीन्स बांटना होता है, यहां बांटने की बात नहीं। पब्लिक टेस्ट को आप क्या बांटेंगे? डिस्ट्रैक्ट। पब्लिक टेस्ट को आप डिस्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? पब्लिक को आप डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, न कि पब्लिक टेस्ट को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। डिस्ट्रैक्ट विकृत करना, तो टेस्ट को कोई डिस्ट्रैक्ट कैसे करेगा? पब्लिक टेस्ट है तो टेस्ट को क्या किया जा सकता है? विशेष किया जा सकता है, टेस्ट को खराब किया जा सकता है, दूषित किया जा सकता है। तो विशेष मीन से ही दूषित करना, खराब करना, स्पॉइल करना, उसकी पवित्रता को नष्ट करना। ओके, सेंटेंस अरेंजमेंट पे है आप, ठीक है। मैं देखिए इसलिए किनारे खड़ा हुआ ताकि आप ये बिल्कुल साफ साफ आपको दिखाई दे सके। ओके, देखिए कंटिन्यूअस रिपोर्ट्स फ्रॉम डॉक्टर्स, जो बच्चा धीरे धीरे रेगुलर ये मेरे सेट्स कर रहा होगा, उसके लिए मैंने कुछ किया हो ना किया हो, लेकिन ये चीजें और क्लोज टेस्ट धीरे धीरे आसान हो रहा है। एक बच्चे ने लिखा भी था कि क्लोज टेस्ट करना पहले से क्या हो रहा है, आसान हो रहा है। तो कंटिन्यूअस रिपोर्ट्स फ्रॉम डॉक्टर्स, डॉक्टर्स से जो कंटिन्यूअस रिपोर्ट्स प्राप्त हो रही हैं, वो रिपोर्ट्स जो हैं हाउ पीपल लिव एंड व्हाट दे ईट। अब कंटिन्यूअस रिपोर्ट्स फ्रॉम डॉक्टर्स हाउ पीपल लिव एंड व्हाट दे ईट, देखते हैं। कंटिन्यूअस रिपोर्ट्स फ्रॉम डॉक्टर्स हु, किसके लिए? डॉक्टर्स के लिए। अगर आपको एडजेक्टाइवल फ्रेज याद हो तो आप समझ सकते हैं, या एडजेक्टिव क्लास आप बेहतर समझते हैं तो और बेहतर समझ सकते हैं। तो कंटिन्यूअस रिपोर्ट्स फ्रॉम डॉक्टर्स हु आर मेजरिंग द इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक डिस्क्लोज पैटर्न लिंकिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड विद द नंबर ऑफ हार्ट अटैक्स दे है। अगर आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर में मास्टर हो रहे हैं तो आप ध्यान से देखें ये जो हु है किसके किसके बगल में आ सकता है? डॉक्टर्स, इनके बगल में आ सकता है, सही। दे ईट, ईट के बगल में हु आ सकता है? नहीं। हार्ट अटैक्स के बगल में हु आ सकता है क्या? ये वैसे भी इसी में है तो कैसे आएगा, सॉरी। पैटर्न लिंकिंग के बगल में हु आ सकता है क्या? कभी नहीं। ऑल ओवर द वर्ल्ड आ सकता है क्या? कभी नहीं। यानी एक चीज तय है कि कंटिन्यूअस रिपोर्ट्स फ्रॉम डॉक्टर्स के बगल में
जब भी आएगा क्यू आएगा, ये अगर हु आर मेजरिंग, ये डॉक्टर से तो मेजर कर रहे हैं ना, तो अगर क्यू आएगा तो हम चारों ऑप्शंस पर जाते हैं। ऑप्शंस पहले में ही है क्यू एस आर पी, दूसरे में पी है नहीं, तीसरे में आर है नहीं है, और चौथे में एस है नहीं है ना। अब अगर हमें कंफ्यूजन है, डाउट है हमें, तो हम यहां क्यू के बाद एस लगा करके देखते हैं सही है कि नहीं। तो कंटिन्यूअस रिपोर्ट्स फ्रॉम डॉक्टर्स हु आर मेजरिंग द इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड है ना, वो उन इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड देख रहे हैं, यानी सही है क्यू के बाद क्या आएगा एस आएगा। और देखिए कंटिन्यूअस रिपोर्ट्स फ्रॉम डॉक्टर्स हु आर मेजरिंग द इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक्स, अभी ये कंटिन्यूअस रिपोर्ट्स फ्रॉम डॉक्टर्स का वर्ब नहीं आया है, ऑल ओवर द वर्ल्ड अभी भी वर्ब नहीं आया है, लेकिन अब देखा जाए आर, यानी कंटिन्यूअस रिपोर्ट्स फ्रॉम डॉक्टर्स हु आर मेजरिंग द इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड डिस्क्लोज, ये क्या हो गई कंटिन्यूअस रिपोर्ट्स की वर्ब हो गई डिस्क्लोज। देखिए कंटिन्यूअस रिपोर्ट्स प्लूरल है तो यहां डिस्क्लोज। ज्यादातर बच्चे आप में से पहले आर पर गए हो, ठीक है न जाएगा, हमेशा याद रखिएगा अगर पहली क्लास में आपको नाउन दिया गया तो ऐसा हो सकता है उस नाउन के बारे में किसी पार्ट में आपको और बताया गया हो, यहां डॉक्टर्स के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है हुआ। अगर ये नहीं होता तब आप क्या लेते कंटिन्यूअस रिपोर्ट्स फ्रॉम डॉक्टर्स डिस्क्लोज द पैटर्न, तब ये सही हो जाए। लेकिन ये हु किसके लिए है, डॉक्टर्स के लिए है, इसलिए पहले क्यू आएगा, और क्यू आएगा ना कहते हैं ना जब एक बार आप सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो धीरे धीरे आपको एक तरीका पता चल जाता है कैसे सफल हो सकते हैं। जब आपने क्यू प्राप्त कर लिया तो आप इसे एक एक जोड़ते जाइए और देखते जाइए कि आपका आंसर सही है या नहीं सही। ओके बढ़िया तरीका है। नेक्स्ट सेंटेंस अरेंजमेंट है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अ मार्केट ड्रिवन, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इज मार्केट ड्रिवन तो नहीं, और स्पेशल पर्पज व्हीकल तो बिल्कुल भी नहीं, यानी पी नहीं है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अ ग्लोबल इंडियन कंसोर्टियम है, नहीं है बिल्कुल भी कंसोर्टियम नहीं है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएट है ना, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज भारत की सरकार है, क्या है इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, यानी एक प्रक्रिया में है। कौन सी प्रक्रिया में, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग निर्माण करने की प्रक्रिया में है, यानी सबसे पहले क्या आ रहा है आप मिलता है ये तो आएगा नहीं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज दैट विल हेल्प, कभी नहीं आएगा, जब भी आएगा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज के बाद इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग आएगा, यानी आ रहा है ठीक है। फिर मैं कहूंगा जो बच्चा जितनी बढ़िया हिंदी समझेगा कॉन्सेप्ट, उस बच्चे का पीक्यूआरएस, उस बच्चे का क्लोज टेस्ट उतना ही आसान होगा ठीक है। तो अगर पहले आर आ रहा है तो हम देखते हैं कौन सा आर है, पी है नहीं यहां पे, आर है यहां पर, एस है नहीं यहां पे, यहां भी नहीं, इतने आसान ऑप्शंस आपको देते हैं। मैं कल परसों से जब जल्दी ही मैं ऐसा करूंगा, जहां जहां से मैं ये क्वेश्चंस दूंगा जिस पेपर से मैं आपको दे दूंगा इस सन में इस पेपर में ये प्रश्न आपको आया हुआ, इससे आपका और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप वहां जाके चेक भी कर सकेंगे और प्रिपरेशन बेहतर हो जाएगा। तो अब द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, अब हमें पता है कि पहला हमारा पोर्शन आर होगा ठीक है, आर पे गए। अगर हमारे मन में डाउट है अपने आंसर को लेकर के तो आर के बाद क्या दिया गया है पी। ओके देखते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ मार्केट ड्रिवन स्पेशल पर्पस व्हीकल है, यानी भारत की सरकार जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया में है जहां पे वो क्रिएट करना चाहती, क्या क्रिएट करना चाहती, अ मार्केट ड्रिवन स्पेशल पर्पस व्हीकल, सही ना, यानी आर के बाद जब भी आएगा क्या आ जाएगा पी आ जाएगा। अब हमारा आंसर हमें पता है कि बाकी हम मिला लेंगे बी आंसर हो जाए ठीक है। ऐसे विश्वास करिए आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो वो क्लोज टेस्ट जो आपके लिए बहुत कठिन रहा होगा वो इजियर होता जाएगा, लेकिन इजियस्ट हो जाएगा।
वो पिकी वारस जो आप लिए कठिन रहा होगा, आप देख रहे होंगे फर्क आ रहा होगा, धीरे धीरे आपके अंदर जोड़ने की कला आ रही होगी। और रेगुलर प्रैक्टिस करिए मेरे साथ, ये चीजें बिल्कुल आपके लिए मैं खेल बना के रख दूंगा, आसान करके रख दूंगा, बस मेरे साथ जुड़े रहें, मेरा सपोर्ट करते रहें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लोज टेस्ट पैसेस देखने पहले, और ये बढ़िया पैसेस से आपका समझ सकते हैं आप। यस्टरडे एक दिन सॉरी कल देयर वाज अ सीरियस एक्सीडेंट, एक्सीडेंट बहुत आ रहे हैं आजकल, कई बार आ गया, दो बार, तो यस्टरडे कल देयर वाज अ सीरियस एक्सीडेंट। देखिए यहां देयर का प्रयोग है ना, वाज लगाया गया, क्यों? क्योंकि अ सीरियस एक्सीडेंट, यही देयर की खासियत है, ये अपने सब्जेक्ट के अनुसार अपने आप को बदल लेता है, जबकि इट जो है वो बहुत कट्टर है, जिद्दी है, यानी स्टबर्न है, वो नहीं बदलता, कोई भी है वो अपने आप को वही रखता है, ओके। तो यस्टरडे देयर वाज अ सीरियस एक्सीडेंट ऑन द मॉल रोड, यानी मॉल रोड पे एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया। अ ड्रंकन ड्राइवर वाज ड्राइविंग अ मोटर कार, यानी शराब पिया हुआ ड्राइवर अपनी मोटर कार चला रहा था, एट 40 miles an hour, करीब 40 मील, ध्यान रखिएगा 40 मील, इसका मतलब क्या हो गया, 40 मील मतलब करीब करीब 60 से 65 किलोमीटर की रफ्तार, ध्यान रखिएगा मील है, तो करीब 60-65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपनी गाड़ी चला रहा था, मोटर कार चला रहा था। एज द कार स्वेप्ट राउंड अ डैश कार, जब वो कार स्वेप्ट राउंड, जब एक मोड़ पर आई, कॉर्नर पर आई, तो कैसे मोड़ पर आई, शार्प कॉर्नर पर आई, या ट्विस्टेड कॉर्नर पर आई, या डिस्टेंट कॉर्नर पर आई, या डिस्टर्ब्ड कॉर्नर पे आई, कब कर पाएंगे आप, यदि आप जानेंगे, शार्प तीखा होता है, ट्विस्टेड जब किसी कहानी में ट्विस्ट आ जाता है, मोड़ आ जाता है, डिस्टेंट दूर का, और डिसहेवल्ड मीन्स गंदा बुरा, अस्त व्यस्त जो होता है वो डिसहेबल होता है, तो कैसे मोड़ पे आई हो, मुझे पता है आपके स्कूल बच्चे डिस्टेंट चूज कर रहे हैं, डिस्टेंट कॉर्नर, इसने क्या दिया, स्वेप्ट राउ आ गए, जब वहां उस कॉर्नर पे आ गई, अगर उस कॉर्नर पे आ गई तो वो डिस्टेंट कैसे हो, तो डिस्टेंट ना सोचे, ट्विस्ट कहानी में आता कि जो मोड़ दिया जाए वो ट्विस्ट होता है, मोड़ कैसा रहा होगा, बिल्कुल अंधा मोड़, तीखा मोड़, आप समझते हैं क्या आ जाएगा, शार्प कॉर्नर हो जाए, ठीक है। तो जब वो उस शार्प कॉर्नर पे आई तो इट यहां पे मोटर कार के लिए, इट रैन डैश अ टांगा, इसने एक टांगे को क्या कर दिया, ठोकर मार दी होगी, ऑक्यूपाइड बाई अ वोमन विद एन इन्फेंट इन हर आर्म्स, जिसमें कौन बैठा हुआ था, एक महिला बैठी हुई थी जिसने अपनी आर्म्स में, अपनी बाहों में अपने बच्चे को, नवजात शिशु को ले रखा। अब प्रश्न है, इट जब वो उस तीखे यानी शार्प कॉर्नर पे आई तो इट रैन अगेंस्ट अ टांगा, यानी उसने उस तांगे के अगेंस्ट मारा, या रैन इनटू अ टांगा, या उससे आकर के टकरा गई, या इट रैन बिहाइंड द टांगा, अब उसके पीछे पीछे दौड़ी नहीं होगी, इट रैन विद द टांगा, उसके साथ साथ तो दौड़ी नहीं होगी, आगे पढ़ेंगे आप कैसे समझ जाएंगे, तो इट रैन क्या हो, इट रैन अगेंस्ट अ टांगा और इट रैन इनटू अ टांगा, क्या हो, अगर आपकी वर्ब पावर अच्छी हो, फ्रेजल वर्ब जानते हो, तो बंप इनटू या रन इनटू मींस अचानक टकरा जाना, अचानक जो टकरा जाते हैं वो रन इनटू या बंप इनटू करते हैं, ठीक है, तो आप समझ जाइए, अचानक वो क्या हुआ, तांगा से आगे तीखे मोड़ पे आई, अचानक वो तांगा आ गया होगा, उससे अचानक टकरा गई, वो होता है ना गाड़ी लेकर कैसे, मेरे साथ भी कई बार हुआ, आपके साथ भी होगा आगे, भगवान न करे हो कभी, गॉड फॉरबिड इट, ओके। तो यस्टरडे देयर वाज अ सीरियस एक्सीडेंट ऑन द मॉल रोड, अ ड्रंकन ड्राइवर वाज ड्राइविंग अ मोटर कार एट 40 miles an hour, एज द कार स्वेप्ट राउंड अ शार्प कार, जब वो कार उस तीखे मोड़ पर पहुंची,
इट रैन इनटू, हो जाएगा, इट रैन इनटू अ टांगा, एक तांगे से वो टकरा गई, ऑक्यूपाइड बाय अ वुमन विद एन इन्फेंट इन हर आर्म्स, जिस तांगे में एक महिला बैठी हुई थी, इसके बच्चों में, इसके बाहों में उसका बच्चा था, ओके? अब हुआ क्या देखें, द टांगा वॉज ओवरटर्न, ओवरटर्न मीन्स पलट जाना, उलट जाना, यानी तांगा क्या हो गया, उलट गया, मतलब पलट गया वहीं पे, हैप्पी, लेकिन खुशी की बात ये थी, अन वन, यहां पे नो वन है, यहां पे एन ओ रहेगा, कभी कभी ऐसे उल्टा हो जाता है, हैप्पी नो वन वॉज किल्ड, उसमें कोई भी मरा नहीं, बट लेकिन द वुमन एंड द चाइल्ड, लेकिन वो महिला और उसका जो बच्चा था, इन्फेंट था, रिसीव्ड डैश इंजरीज, ये तो आना चाहिए आपको, इंजरीज तो अक्सर आप समझते होंगे, उनको ऐसी चोट लगे, उनको ऐसी चोट लगे, ये बड़ी चोट होती तो क्या लगाते हैं और छोटी चोट होती तो क्या लगाते हैं, तो इंजरीज कैसे इंजरीज लगी, माइनर इंजरीज हुई या स्लाइट इंजरीज हुई या इनसिग्निफिकेंट इंजरीज हुई या ट्रिवियल इंजरीज हुई, कैसे इंजरी हुई, सोच के देखें आप, इंजरी आपको याद होगा मेजर इंजरी होती है या माइनर इंजरी होती है, क्योंकि वो पलटा था और कोई उसमें किल्ड नहीं हुआ था, यानी उन्हें कैसी चोट लगी होगी, हल्की फुल्की चोट लगी होगी, मींस माइनर इंजरी, वैसे भी आप यूज करते हैं माइनर इंजरी उसे हुई, मींस हल्की फुल्की चोट है, अगर आप ले स्लाइट क्यों नहीं हुआ, स्लाइट किसी एक्सप्रेशन के लिए हम यूज करते हैं, से स्लाइट कंफ्यूजन, यानी हल्का सा कंफ्यूजन था, इनसिग्निफिकेंट क्या होता है, किसी चीज की इंपॉर्टेंस के लिए हम यूज करते हैं, जिस चीज की इंपॉर्टेंस महत्व कम होता है वो इनसिग्निफिकेंट होता है, ट्रिवियल क्या होता है, जो चीज तुच्छता की तरफ होती है, बहुत घटिया विचार होता है वो ट्रिवियल होता है, ठीक है, तो फिर यहां माइनर सही है, माइनर इंजरीज, ओके, द होस्टाइल क्राउड, तो जब वो चोटिल हो गए वो दोनों, तो द होस्टाइल क्राउड, वो जो क्रुद्ध भीड़ थी, वैसे हॉस्टाइल मीन्स विरोधी, शत्रुवत होता है, तो द होस्टाइल क्राउड यानी जो क्रुद्ध भीड़ थी, वाज सो, वो इतनी क्या हो गई, वो इतनी इरिटेटेड हो गई, वो इतनी इनरेज्ड हो गई, वो इतनी इन्फ्यूरिएटेड हो गई, या वो इतनी मैड हो गई, क्या हो गई, इरिटेटेड, जब आप चिढ़ जाए, जैसे किसी चीज को मैं बार बार कर रहा हूं और आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इरिटेट हो जाओ, जैसे मान ली मैंने कहा जाओ वहां, आप नहीं गए, मैंने कुछ देर फिर कहा जाओ वहां, आप नहीं गए, मैंने फिर कहा जाओ वहां, दिमाग खराब आपका, क्यों बार बार करें, तो ये इरिटेट करना होता है, ठीक है, तो यहां तो वो भीड़ जो है इरिटेट नहीं हुई हो, इन रेस, रेस में क्रोध होता है, एनरेज क्रोधित करना होता है, और एनरेज क्रुद्ध हो जाती, क्रोधित हो सकता है, इनफ्यूरिएटेड भी क्या होता है, जब आप पागल हो जाएं, क्रोध से पागल हो जाएं, अपने ऊपर आप नियंत्रण न रख सके, मैड मानसिक पागलपन को कहते हैं, यहां मैड का तो कोई रिलेशन नहीं आता है, अब दो में से एक चूज करना, एनरेज या इनफ्यूरिएटेड, ठीक है, और मैंने कहा इसमें प्रपोजिशंस बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, If you know enraged, then enraged at. If you know infuriated, then infuriated with. हो जाएगा आपका आंसर देखें. The hostile crowd was so dash with. ये with force करेगा आपको कि आप क्या नहीं ले सकते हैं? Enraged नहीं ले सकते हैं. क्या लेना पड़ेगा? Infuriated लेना पड़ेगा. ऐसे क्लोजेस तैयार करें, मेहनत करें आप प्रीपोजिशंस पे, शब्दों के बीच डिफरेंस पे, नॉर्मल ग्रामर पे और कॉमन सेंस पे, तो आप कर सकते हैं, हिंदी कॉन्सेप्ट जरूर आना चाहिए आपको यदि क्लोज टेस्ट करना है तो द होस्टाइल क्राउड वाज सो इन्फ्यूरिएटेड विद द ड्राइवर दैट ऑल हिज एक्सप्लेनेशन अब जब वो क्रुद्ध भेड़ उसके ऊपर टूट पड़ी होगी उसके ऊपर मारने के लिए दौड़ी होगी तो वो जो ड्राइवर रहा होगा उसने बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश होगी मेरी गलती नहीं थी ऐसा वैसा लेकिन ऑल हिज एक्सप्लेनेशन उसके सारे जो अपने आप को बचाने के लिए एक्सप्लेनेशन थे डिड नॉट डैश हिम फ्रॉम रफ अप मीन्स किसी के साथ वायलेंटली ट्रीट कर
यानी उसे उसके साथ बुरा व्यवहार करना, उस पर आक्रमण कर देना, हमला कर देना, ये रफ अप होता है। ओके, तो वो सारे एक्सप्लेनेशन उस ड्राइवर को लोगों के पीटने से क्या नहीं कर सके, उसे स्पेयर नहीं कर सके, उस ड्राइवर को सेव नहीं कर सके, उस ड्राइवर को स्टॉप नहीं कर सके, उस ड्राइवर को एस्केप नहीं कर सके। अब ये हिम बता रहा है कि एक्सप्लेनेशंस डिड नॉट एस्केप हिम, तो एस्केप होता है ना किसी स्थिति से बचकर निकल जाना, तो यहां वो एस्केप नहीं है, जहां पे आप चोरी से बच के निकल जा रहे हैं, खतरे से बच के निकल जा रहे हैं, यहां वो नहीं आता है। अगर एस्केप होता तो एस्केप फ्रॉम होता या एस्केप हिम नहीं होता, ये हिम ना होकर के फ्रॉम होता। स्टॉप देखें, ऑल हिज एक्सप्लेनेशंस डिड नॉट स्टॉप हिम, उन एक्सप्लेनेशंस ने उसे नहीं रोका फ्रॉम, गलत है ना, कैसे स्टॉप आ सकता है, हिंदी समझे तो बेहतर समझे। ऑल हिज एक्सप्लेनेशंस डिड नॉट सेव हिम, उसे वो एक्सप्लेनेशंस बचा नहीं सके फ्रॉम रफड़ा, किसी से पिटने से, सही है ना। सेव स्पेयर क्या होता है, जो चीज आपके पास बची हुई होती है, एक्स्ट्रा होती है, वो स्पेयर होती है। जैसे आपके पास टाइम है स्पेयर करने को, यानी आपके पास समय है व्यतीत करने को, खर्च करने को, वो स्पेयर करना, या आपके पास पैसे हैं स्पेयर के रूप में, अधिक है एक्स्ट्रा, तो स्पेयर नहीं होगा। लेकिन ऑल हिज एक्सप्लेनेशंस डिड नॉट सेव हिम, डिड नॉट सेव हिम फ्रॉम रफ रफ, यानी उसके सभी एक्सप्लेनेशंस उसे पिटने से बचा नहीं सके। एक बार फिर से देख लें जल्दी से, यस्टरडे देयर वाज अ सीरियस एक्सीडेंट ऑन द मॉल रोड, अ ड्रंकन ड्राइवर, देखिए कॉन्सेप्ट समझें, चीजें धीरे धीरे आसान होंगी, हिंदी समझना सीखें और आसान होगा। अ ड्रंकन ड्राइवर यानी एक शराब पिया हुआ ड्राइवर वाज ड्राइविंग अ मोटर कार, वो एक मोटर कार चला रहा था, एट 40 माइल्स एन आवर, 40 मील यानी करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, जब भी होता है, जब द कार स्वेप्ट राउंड, स्वीप राउंड पहुंचे, द कार स्वेप्ट राउंड और शार्प कार, जब कार वो एक तीखे मोड़ पर पहुंची तो इट रैन इनटू, ये सीख ले, रन इनटू टकरा जाना, बंप इनटू टकरा जाना, इट रैन इनटू अ टांगा ऑक्यूपाइड बाई अ वुमन विद एन इन्फेंट इन हर आर्म्स, तो कार जो थी एक टांगे से टकरा गई, जिस टांगे में एक महिला अपनी नवजात शिशु के साथ अपनी बाहों में लिए उसे बैठ गई। ओके, द टांगा वाज ओवरटर्न, वो टांगा क्या हो गया, उलट गया, पलट गया, हैप्पीली नो एन ओ होगा यहां, हैप्पीली नो वन वाज किल्ड, भाग्यवश उसमें किसी की भी डेथ नहीं हुई, बट लेकिन द वुमन एंड चाइल्ड रिसीव्ड अ माइनर इंजरीज, लेकिन उन्हें हल्की फुल्की चोटें आई। द होस्टाइल क्राउड वाज सो इन्फ्यूरिएटेड विद, ये विद कर रहा था कि आप एनरेज नहीं ले सकते, इन्फ्यूरिएटेड हो, तो क्रुद्ध भीड़ इतनी अधिक क्रोधित थी विद द ड्राइवर, उस ड्राइवर से, दैट ही ऑल हिज एक्सप्लेनेशन, ये हिस किसके लिए है, ड्राइवर के, उसके सभी जो समझाना बुझाना था या ये बताने का कार्य था कि मेरी गलती से नहीं हुआ, ये हो गया, वो हो गया, डिड नॉट सेव हिम फ्रॉम रफ रफ, उसे पिटने से नहीं बचा सके। ओके, यानी भीड़ ने उसे पीट दिया। फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आपको चुनना है इसमें कौन सा शब्द सही स्पेलिंग के साथ है, यानी केवल एक शब्द होगा जो आपका सही स्पेलिंग होगा, वो एनिमिटी हो सकता है, हॉस्टिलिटी हो सकता है, हिपोक्रेसी हो सकता है, या एंटरप्रेन्योर हो सकता है। एनिमिटी दुश्मनी होती है, हॉस्टिलिटी भी दुश्मनी होती है, हिपोक्रेसी पाखंड को कहते हैं, और एंटरप्रेन्योर उद्यमी को कहते हैं, जो अपने उद्यम से, अपने परिश्रम से अपना बिजनेस खड़ा करता है वो एंटरप्रेन्योर कहलाता है, जो किसी भी रिस्क को लेने के लिए तैयार होता है वो एंटरप्रेन्योर कहलाता है। तो कौन सा इसमें एक शब्द है जिसकी स्पेलिंग सही है, एनिमिटी सही है, बिल्कुल नहीं, गलत। एनिमी होता है ई एन ई एम वाई, लेकिन जब आप इसे नाउन बनाते हैं आप आई टी वाई के द्वारा, तो ई हट जाता है, ई एन एम आई टी वाई, एनिमिटी दुश्मनी हो जाए। हॉस्टिलिटी में टी आई डबल एल नहीं होता है, सिंगल एल होता है ना, अभी आपने हॉस्टाइल पढ़ा था, तो एच ओ एस टी आई एल आई टी वाई होगा, डबल एल नहीं रहेगा, ये भी गलत है। हिपोक्रेसी सही है क्या, बिल्कुल सही है।
HYPOCRISY होता है। अगर आप CY सोच रहे हो तो आप गलत सोच रहे हैं, ये इसका। और एक्सट्रेसी आपको याद होगा ECSTASY होता है, याद करें। ये दो शब्द जो है लास्ट में CY नहीं SY होता है, जबकि देखिए प्राइवेसी आप यूज करेंगे तो PRIVACY होता है, लेकिन यहां पे SY होगा। ये वर्ड आपका करेक्टली स्पेल्ड है, सही है। एंटरप्रेनर गलत है, ENTRI नहीं होता, ENTRE होता है, एंटरप्रेनर ये होता है उद्यमी को कहते हैं, ठीक है। हिपोक्रेसी पाखंड को कहते हैं, हॉस्टिलिटी और एनिमिटी दुश्मनी शत्रुता को कहते हैं, यानी आपका सी ऑप्शन सही है। फाइंड आउट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, 18 नंबर पे हम लोग आ गए। मेमोरियल सही है या गलत, डायरिया सही है या गलत, सिमेट्रिक सही है या गलत, कॉनिस सही है या गलत। मेमोरियल समझते होंगे, जो आप यात्रा वगैरह करते हैं उसका जो विवरण देते हैं आप स्मरण के आधार पे, वो आपका मेमोरियल होता है, यात्रा विवरण को कहते हैं। डायरिया समझते होंगे, रोग दस्त वगैरह को कहते हैं आप। सिमेट्री कब्रिस्तान होता है, क्वानिसर कला पारखी को कहते हैं, और ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में दिया गया, ठीक है, अभी आया हुआ था, इस सीजन प्री में भी क्वानिसर दिया गया था, अगर आपने दिया हो तो आप जानते हैं। तो मेमोरियल सही है, यहां पे आपको रॉन्गली स्पेल ढूंढना, ठीक है, यानी जो गलत है वो ढूंढना, वहां पे सही ढूंढना, गलत ये नहीं, MEMOIRE सही, मेमोरियल। डायरिया सही है क्या, सही है क्या, सही है ना, गलत, ये DIE नहीं होता, DIARRHEA डायरिया दस्त वगैरह कहते हैं ना, यानी ये DIE नहीं होगा, DIA होगा यहां पे, यानी यही रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। अगर ये रॉन्गली है ये सही है, सिमेट्रिक AERY और CONNYSSEUR होता है, सही आपका यहां पे है, यानी आपका आंसर बी हो जाएगा, इसकी स्पेलिंग DIA होगा, RR और फिर HEA होगा, ठीक, डायरिया। वैसा आ गया आपके सामने, बढ़िया प्रश्न है, देख लें आप, अगर आप कर लेंगे तो आप अच्छे होंगे, आप ध्यान रखिएगा, अगर आप कर लेंगे तो आप अच्छे होंगे, करके दिखाएं। Who obliged you in the journey of your success? आपकी सफलता की यात्रा में who obliged you? किसने आप पर एहसान किया, कोई कौन रहा जिसने आपका साथ दिया, क्या बाई होम वर यू ओब्लाइज्ड इन द जर्नी ऑफ योर सक्सेस, शायद सही हो, बाई हु यू आर यू वर ओब्लाइज्ड, अब ये तो नहीं कभी होता, बाई भी लें और होम भी लें, कभी नहीं, बाई होम होता तो समझ में आता, टू होम वर यू ओब्लाइज्ड इन द जर्नी ऑफ योर सक्सेस, या एट होम वर यू ऑब्लाइज इन द जर्नी ऑफ योर सक्सेस। रियल टेस्ट है आपके ग्रामर का, और मैंने बोला था कुछ दिन पहले कि कहां पर कौन सी प्रीपोजिशन का आप प्रयोग करते हैं, याद आ रहा आपको, देख लें कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। चैलेंजिंग क्वेश्चंस ऐसे करेंगे, ये सारे क्वेश्चंस आपके मेंस के आपको मैं अब दे रहा हूं, जो नरेशन वैस के क्वेश्चंस आप करो, क्या ऑप्शन सही होगा आपका, कौन सा ऑप्शन, बोलिए जल्दी, ए लेंगे कभी नहीं होगा, क्योंकि जब आपने ओवलाइज का प्रयोग किया तो ओवलाइज और नोन के साथ बाई नहीं आता है, तो अगर ये खारिज हुआ तो ये भी आप खारिज कर दे, दोनों फिनिश। टू होम होगा क्या, या एट होम होगा, क्या होगा, क्या करें, टू होम या एट होम, अगर आपको याद हो कि ओवलाइज और नोन के साथ टू लगाते हैं, क्या लगाते हैं, टू, हो गया आंसर आपका, टू होम, और ये सही है ना, वर यू या इंट्रोगेटिव है आपका, तो टू होम पास्ट इंडेफिनिट है आपका, तो हर हाल में पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लेंगे आप, तो टू होम वर यू ओवलाइज इन द जर्नी ऑफ योर सक्सेस, सी ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन घर पे सॉल्व करें, बहुत मदद मिलेगी आपको। नरेशन है, द शॉपकीपर सेड टू द कस्टमर, विच बुक डू यू वॉन्ट टू बाय फ्रॉम दिस शॉप, देख लें, शॉपकीपर ने कस्टमर से कहा, विच बुक, यहां डब्ल्यू कैपिटल रहेगा, विच बुक डू यू वॉन्ट टू बाय फ्रॉम दिस शॉप, आप इस दुकान से कौन सी किताब खरीदना चाहते हैं,
The shopkeeper told the customer, which book do you want to buy from this shop? Question mark. तो told तो कभी नहीं होगा, हटा दो. The shopkeeper asked the customer. हो सकता है तो आगे बढ़ जाएं. The shopkeeper asked the customer, which book did he want to buy from that shop? होगा क्या? The shopkeeper inquired of the customer. सही, inquired of भी सही है. The shopkeeper inquired of the customer which book he wanted to buy from this shop. हो सकता है. The shopkeeper inquired of the customer which book he wanted to buy from that shop. अब ये C नहीं हो सकता है क्योंकि यहां this shop, तो this तो बदलेगा ना आपका, that shop होगा. B नहीं हो सकता है क्योंकि the shopkeeper asked the customer, सही है. Which book did I? जब आप इसे affirmative बनाएंगे तो do हट जाएगा, तो फिर did कैसे आएगा? Affirmative में did कैसे होगा? Which book के बाद क्या आना चाहिए? Subject. तो फिर did यहां लेकर के गलत है. और ये नहीं होगा कि told है यहां पे. हो गया आंसर आप, कौन सा आएगा? C option होगा, अरे D option, क्योंकि यहां this shop है. अगर ये this shop नहीं होता, that shop होता, तो ये सही होता, लेकिन यहां है that shop. मिला ले. The shopkeeper inquired of the customer. ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में ऐसे एरर दे सकता है. The shopkeeper inquired the customer. जब inquired के बाद आप ऑब्जेक्ट लेते हैं तो क्या लगाते हैं? Of. ठीक है, तो the shopkeeper inquired of the customer which book. सही है. और यहां देखिए सीधे सब्जेक्ट आ गया, which book he, और present indefinite किस में जाएगा? Past में. Which book he wanted to buy from, और this किस में बदलेगा? That में, that shop. यानी D option आपका best. Okay? One word substitution sa. Full of criticism and mockery. जिसमें किसी को, किसी की आलोचना की जा रही है, उसकी निंदा की जा रही है, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है. वो मजाक उड़ाना डिस्क्रिमिनेशन होगा, रेडिक्यूल होगा, पिनाकल होगा, या कंटेम्प्ट होगा. यहां टी रहेगा, कंटेम्प्ट टी रहेगा. ध्यान रखिएगा, कंटेम्प्ट, सी ओ एन टी एम पी टी होता है, कंटेम्प्ट. तो फुल ऑफ क्रिटिसिज्म एंड मॉकरी. डिस्क्रिमिनेशन होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा. डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव होता है. जब आप किसी आधार पर भेदभाव करते हैं, जब एक पिता दो पुत्रों के बीच में भेदभाव करता है, वह डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव. पिनाकल होगा? बिल्कुल नहीं होगा. पिनाकल में शिखर होता है, चोटी होती है, समिट होता है ना आपका, अपेक्स, जेनिथ, तो यहां नहीं होगा. रिडिक्यूल होगा? बिल्कुल होगा. रिडिक्यूल मीन्स ही होता है किसी का मजाक उड़ाना, उसकी आलोचना करना, तो रिडिक्यूल हो जाएगा. फुल ऑफ क्रिटिसिज्म एंड ऑफ मॉकरी अर्थात रिडिक्यूल. कंटेम्प्ट घृणा को कहते हैं. क्या? घृणा नहीं आपके, कंटेम्प्ट घृणा अर्थात फुल ऑफ क्रिटिसिज्म एंड मॉकरी रिडिक्यूल हो जाए. दूसरा वन वर्ड आपके हैं, टू बी डॉगमेटिक इन वंस ओपिनियन. इस सारे आपके मैं मेंस लेवल पे भी आपको दे रहा हूं ताकि अब आगे ये आपके सेशन में मेंस में भी आपके काम आए. टू बी डॉगमेटिक इन वंस ओपिनियन. जब कोई अपनी सोच में डॉगमेटिक हो जाता है, कट्टर हो जाता है, जिद्दी हो जाता है, हठी हो जाता है, और वो ये मानता है उसी का सिद्धांत सही, तो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति सेक्युलर है. सेक्युलर मीन्स धर्म निरपेक्ष होता है. जो किसी भी धर्म की तरफ से ना हो वो सेक्युलर हो, अर्थात जो सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु हो वो सेक्युलर होता है. वो व्यक्ति अनडाउटेबल होता है, जिस पर शक नहीं किया जा सकता है, संदेह नहीं किया जा सकता है. वो व्यक्ति ओपिनिएटेड होता है, जो कट्टर होता है, जिद्दी होता है, हठी होता है. वो व्यक्ति प्लेंटिव होता है अर्थात शिकायती होता है, जो हमेशा दुखी रहता है, शिकायत करता रहता है. कर लेंगे आंसर. सेक्युलर नहीं होगा क्योंकि इसका धर्म से संबंध है, यहां ऐसा कुछ नहीं है. अनडाउटेबल होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसका भी इससे कोई मतलब नहीं. ओपिनियन का अनडाउटेबल क्या मतलब है? कौन हो जाएगा? ओपिनिएटेड. ओपिनिएटेड मीन्स कट्टर, जिद्दी, वन हु थिंक्स दैट ही इज ओनली ही इज राइट, जिसे लगता हो वही सही है बाकी सब गलत है, वो ओपिनिएटेड होता है, हठी, जिद्दी. तो यही तो है ना आपके, टू बी डॉगमेटिक इन वंस ओपिनियन, अर्थात जो अपने सिद्धांत, अपनी सोच में कट्टर होता है वो ओपिनिएटेड होता है. ओके, एंटोनिम्स तक 23 क्वेश्चन पे आ गए हम लोग. डिसिप्रेशन, बहुत बार ये वर्ड आपके एग्जाम्स में यूज किया गया.
डिसिप्रेशन का एंटोनिम आपको ढूंढना है, क्या होगा? होपलेसनेस, निराशा, डिसबिलीफ, अविश्वास, वेनरेशन, श्रद्धा, आदर, पवित्रता, मैनिफेस्टेशन, अभिव्यक्ति अर्थात अपनी सोच को एक्सप्रेस करने की क्रिया। ये कब आएगा? जब हम जानेंगे कि डिसिक्रेशन मीन्स क्या हो, तो डिसिक्रेशन का एंटोनिम क्या हो जाएगा? क्या होगा? डिसिक्रेशन मीन्स क्या होता है? डिसिक्रेशन मीन्स अपवित्रता, अनादर होता है। तो वेनरेशन मीन्स पवित्रता या आदर होता है। श्रद्धा, आपने सुना है ना, वेनरेशन मीन्स श्रद्धा। श्रद्धा कब उत्पन्न होती है? जब सामने वाले के प्रति आपके मन में पवित्र भावना हो, जैसे श्रद्धा। ओके, तो डिसिक्रेशन का एंटर क्या हो जाएगा? वेनरेशन, यानी श्रद्धा, आदर। तो होपलेसनेस नहीं होगा, क्योंकि इसके मीन्स निराशा होती है। डिसबिलीफ आप जानते हैं, अविश्वास है। और मैनिफेस्टेशन अभिव्यक्ति को कहते हैं, जब आप अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं, यह मैनिफेस्टेशन होता है। तो डिसिक्रेशन का एंटोनिम वेनरेशन। 24 नंबर पे हम हैं, एंटोनिम है प्रिडिलेक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, लेकिन जो अच्छे बच्चे होंगे वो वर्ड जानते हैं। प्रिडिलेक्शन का एंटोनिम क्या हो? प्रेडिकमेंट, कोई कठिन परिस्थिति, डिफिकल्ट सिचुएशन। एवर्सन, घृणा। Afterthought, बाद का विचार। Grandiose, अर्थात दिखावटी, बड़बोलापन। जो चीज बाहर से भव्य हो, दिखावटी हो, वह Grandiose होता है। तो predilection means क्या होता है? Predilection means होता है लगाव, प्रेम, स्नेह। तो अगर predilection means लगाव या स्नेह होता है, तो aversion means क्या होता है? घृणा होती है। अर्थात predilection का antonym aversion हो जाए। ये वर्ड याद करिएगा, पेडिकामेंट, कठिन परिस्थिति को पेडिकामेंट कहते हैं। सिनोनिम्स पे आ गए हम लोग, कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या होता है? इसका सिनोनिम सीज होगा, समाप्त हो जाना, रुक जाना। स्टार्ट होगा, शुरू होना। फिट होगा, दौरा पड़ना, ऐंठन होना। रिपल्सन होना, घृणा। क्या ये भी कब आएगा? जब हम जानेंगे कन्वर्जन होता क्या है। कन्वर्जन होता है जब आपके शरीर में कोई सडन वायलेंट चेंज होने लगे, ऐंठन होने लगे शरीर में, ऐसे ऐंठने लगे आप शरीर, यह दौरा कहलाता है, ऐंठन कहलाता है। तो अगर कन्वर्जन में दौरा या ऐंठन होता है, तो फिट मीन्स भी क्या होता है? ऐंठन होता है, दौरा पड़ना होता है। तो कन्वर्जन का सिनोनिम क्या हो जाएगा? फिट। यहां के सारे वर्ड्स आपके एग्जाम्स में काम आएंगे आगे। और ये हमारे सामने लास्ट वर्ड है आपका, इम्पेकेबल, आना चाहिए। इम्पेकेबल का सिनोनिम क्या होगा? रिमार्केबल, शानदार, अनुकरणीय। फ्लॉलेस, जिसमें कोई दोष ही ना हो। निर्दोष, निष्कलंक, बेदाग। अनबिलेबल, जिस पर विश्वास ना हो। डिसप्लीजिंग, जो नाराज कर दे, नाखुश कर दे। क्या होगा इम्पेकेबल? क्या होता है? कोई ऐसा कैरेक्टर, कोई ऐसा व्यक्ति जिसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष ना हो, निर्दोष हो, अर्थात उसके अंदर कोई कमी ना हो। तो फिर इम्पेकेबल का सिनोनिम क्या हो जाएगा? फ्लॉलेस, अर्थात जिसमें कोई कमी ना हो। फ्लॉ मीन्स ही दोष होता है, कमी। तो फ्लॉलेस, जिसमें कोई कमी ना हो, वो फ्लॉलेस होता है। तो इम्पेकेबल का सिनोनिम फ्लॉलेस हो जाएगा। एक छोटा सा प्रयास जो मैं दिल से चाहता हूं कि आप करते रहें, रेगुलर इस साल करते रहें, और अन्य बच्चों के भी बताते रहें। मुझे लगता है आप उस तरीके सपोर्ट नहीं कर रहे जैसे आपको करना चाहिए। आप अधिक से अधिक क्या करते रहें? शेयर करते रहें। आप मेरे व्यूज देखकर समझ सकते हैं कि वो रिस्पांस आप नहीं दे रहे जैसा रिस्पांस आपको देना चाहिए, क्योंकि आप रिस्पांस देंगे तो मेरा एक एनकरेजमेंट होगा, कहीं कहीं मोटिवेशन आएगा मेरे अंदर कि मैं आपके लिए और बेहतर करके ले आऊं। मैं करता रहूंगा, आप ही मुझे सपोर्ट करते रहें, और बेहतर सपोर्ट करते रहें, ताकि और बेहतर चीजें मैं आपके सामने ले आ सकता हूं। टिल देन, कल 9 बजे रात तक के लिए सपक है, मीन्स गुड नाइट, थैंक यू।